जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:38, 18 दिसंबर, बुधवार। तो आज तो प्योरली बुल रैली हो गई है। और चलिए, सबसे पहले तो मैं कुछ पोजीशंस दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने कल बोला था, मैं उसको काट लूँगा जो मेरे पास 12200 का पुट है। देखिए आप, 1275 क्वांटिटी कल की थी आपके सामने, 64। ये एक्चुअली 56, कल कल की रेट 56 अपने लास्ट रेट देखे थे, उस हिसाब से 25,000 का लॉस था। तो आज इसमें तो 2-3 हज़ार रुपये मिला ही है, ठीक है? तो इसको भूल जाइए। इसको मैंने सुबह ही काट लिया था, क्योंकि मुझे आज पता तो चल ही गया था कि 1200 तोड़ रहा है। लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी है, 32,000 का पुट रखा है मैंने बैंक निफ्टी का। 340 क्वांटिटी में से 80 निकाल दिया था 178 पे, 260 क्वांटिटी रखा है। कब का? 26 दिसंबर का। और निफ्टी को मैंने कन्वर्ट कर लिया था इसमें, हालांकि 1500 क्वांटिटी थी। इसको थोड़ा सेल करके मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा लेने की इच्छा थी, इसीलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी में घुसा दिया अमाउंट। तो भी 900 क्वांटिटी अभी भी मेरे पास 12,200 का पुट खड़ा है, जिसमें आज मार्क टू मार्क, क्योंकि ये 55 की क्लोजिंग है, मेरी एवरेज 71, उसमें कुछ माल 60 का सेल किया हुआ है, तो 21,000 रुपये ये नुकसान है। कल का 25, 46,000 का मुझे नुकसान है नेट, कल से लेके आज तक, ये कॉल पुट में। लेकिन मेरे पास अब क्या क्वांटिटी है? निफ्टी की 900 और बैंक निफ्टी की 260। और मैंने कल भी आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग का स्टॉप लो, आप खाली पुट लेके जाइएगा, बिल्कुल भी फ्यूचर में ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी ख़राब नहीं दिख रहा है। अब आ जाइए, आज मैं 200 के ऊपर सुबह आप लोग को बोल रहा था कि 200 के ऊपर टिके तो बाई करना। और हमारा जो लेवल भी दिया हुआ था वो भी दिखा देता हूँ, लेवल भी परफेक्टली काम किया, लेवल ने कहीं गलती नहीं की। आई वॉज एक्चुअली बियरिश आफ्टर 200 भी, ऑल्सो मैं बियरिश था, जबकि लेवल हमने बाकायदा दिया था 1200 के ऊपर, 15 मिनट चले तो हम बाई करना चाहिए, तो बाई करना चाहिए, ये मुझे पता था। लेकिन एक ही कारण आज मुझे रोक दिया, क्या कारण है मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैं तो पक्का आज बाई कर लेता, पक्का 1000% मैं बाई कर लेता बल्कि निफ्टी। क्यों नहीं किया अब बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के मैं बात नहीं करता हूँ। इसीलिए मैंने बोला था ये 344 अगर तोड़ देता है, 343, तो मार्केट पूरी तरह से बुल। लेकिन ये 0.95, इसने भी सुबह 0.95 मारा था, आपको याद होगा 211.95 का हाई बनाया था सुबह, उसको तोड़ के 253 का हाई बन रहा है अभी, बहुत सुबह तोड़ दिया। लेकिन ये पूरे दिन टिका हुआ रहा, सुबह का हाई बना हुआ है, आपको ध्यान होगा ये सुबह का हाई है। चाहिए तो हम इसका चार्ट, इसमें दिखता कि नहीं पता नहीं मुझे, आप लोग देख लीजिए, ये सुबह ही मारा हुआ है, सुबह 10 बजे के आसपास का, तो ये आज तक नहीं टूटा अभी तक। चार्ट कहाँ दिखता है इसमें पता नहीं, चार्ट इसमें लाइव चार्ट मुझे मालूम नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं तो ईओडी चार्ट दिखता हूँ, वो चार्टिंग में दिखता हूँ, फ्यूचर का चार्ट उसमें नहीं आता। तो 343.95 एज इट इज इंटैक्ट रहा, जबकि निफ्टी कितना चेंजेस किया, और निफ्टी स्ट्रांगली होल्ड क्यों रखा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास 12200 12100 के पुट्स खड़े हैं, और उनको कल की एक्सपायरी में जीरो करना है उनको। लेकिन इसका मतलब क्या, ये एक्सपायरी है 12200 के ऊपर ले जाएगा? मैं बोलता हूँ ये एक्सपायरी 11900 पे बंद होगी, ये एक्सपायरी निफ्टी की 11900 पे आएगी, 11900 से लेके 12,000 के बीच में ये इस मंथ की एक्सपायरी आएगी, जो कि 26 तारीख को है, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट तो ये है, 340 तो अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 311 आ गया लास्ट में, तो और 20-30 पॉइंट बढ़ा देता भाई, इसको नहीं तोड़ना था, तोड़ना था तो इसको तोड़ देता, फिर मैं मान लेता तुरंत, मैं आज ये लॉस ही बुक करके जाता। फिर क्यों नहीं किया, देखिए मैंने होल्डिंग रखा है, ऐसा भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रखा है, आपको दिखा भी दिया। तो अब आ जाइए, क्यों रखा है, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का ही चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ क्लियर कट एक हैंगिंग मैन बना है, देखिए क्लियर कट, जो लोग थोड़ा बहुत भी टेक्निकल जानते हैं, और आज कल भी बैंक निफ्टी आप देखिए बिल्कुल डल था, और आज भी बैंक निफ्टी, निफ्टी को अगर छोड़ दिया जाए, निफ्टी की स्ट्रेंथ के कारण आज बैंक निफ्टी टिका हुआ था, नहीं वरना बैंक निफ्टी तो आज आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया था, आपको याद ही होगा 32,055 भी आया था ये,
अगर सुबह शॉर्ट मार के यहाँ खरीद खरीद, क्योंकि सुबह ये हाई बन चुका था, वहाँ से 32,055 आया था, यानी कि 300 पॉइंट हाई से गिरा था आज। वापस पूरे दिन के दौरान इतनी तेजी आने के बावजूद ये हाई नहीं तोड़ पाया, ये सबको याद है। मैंने उस समय एक वीडियो बना के ये भी बोला, जिसको बुक करना है बैंक निफ्टी बुक कर लीजिए, आप चाहे तो वो सुन लीजिए, ये वीडियो ज़्यादा देर का नहीं है, मुझे याद है। पहले वो सुना देता हूँ फिर पूरी बात सुना देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे बोला भी था बैंक निफ्टी टिका हुआ, इसीलिए मैं शॉर्ट और 12,200 के ऊपर बकायदा बाई है, अगर 15-20 मिनट टिकता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने बाद में एक सेल कॉल दिया, कौन सा, 200 टूटने के बावजूद, कि 12,211 पे सेल करिए, 266 का स्टॉप लॉस दिया, 266। आज का हाई कितना निफ्टी का, 253, तो बचा हुआ ये भी बचा हुआ। इतना होने के बावजूद इतना सा स्टॉप लॉस नहीं खा सका, मुझे लॉस हुआ इसमें 40 पॉइंट। अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट किया हूँ, मैंने नहीं किया, लेकिन अगर किया भी होता तो 40 पॉइंट का नुकसान है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपको बता देता हूँ, वो मैंने शायद इसी वीडियो में बोला था 11 बजे के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:14 AM, तो क्या करना है तुमको स्टॉक मार्केट से, ये कभी दिया मैंने, मुझे लगता है इसका टारगेट मैं 28 छोटा दिया हूँ, और इसका भी बता लेकिन ये देता लास्ट डेट तक आ सकता है बॉस। आप ये मत सोचिएगा मुझे सूरत में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, 5 तारीख को 150 पॉइंट और मिल गए। हाँ, इसमें लिए अच्छा करेक्शन किया, बल्कि कल से भी, अभी उस समय भी हाई देखे 343.90, 32,055 का भी लो बना दिया, जिसने उस समय भी हाई बन चुका था ये 343.95, 150 पॉइंट, और ये 11:15 का वीडियो है। तो जहाँ आपको लगता है आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, मुझे तब तक डर नहीं जब तक 12,200 के। देखिए देखिए, वापस सुनिएगा, ये वापस सुन लिए, मैंने यहाँ हिंट दे दिया, जिसको डर है वो उसको 150 पॉइंट और मिल गए। तो जहाँ आपको लगता है आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, मुझे तब तक डर नहीं जब तक 12,200 के ऊपर ये 20 मिनट कंटिन्यू नहीं चले, 15 से 20 मिनट, ठीक है। चलने के बाद तो मैं डेफिनेटली डरूंगा, मतलब कुछ और ही बात है। और इसके अलावा दोस्तों, अब ये और दूसरा, उसके बाद आपको ये जो कॉल दिया था मैंने, ये भी बता देता हूँ। ये देखिए, बैठे बैठे घर में कैसे, लोगों को खेलना ही नहीं है बोथ साइड, लोगों को खाली वन साइड खेलना है, वन साइड। ये देखिए, 4 घंटे पहले दिया हुआ 11:08, और इस वीडियो में डाला हुआ बकायदा 11:15 के वीडियो में आपने देख चुका अभी, 8:25 और 5:30 कितना हुआ, 340 और 320, 13 रुपया 55 पैसा का कॉस्ट आता है। और अभी आप देखिए इसका प्राइस, RBL बैंक 340 का कॉल था और 320 का पुट। देखिए, बैठे बैठे आराम से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए। RBL बैंक का 340 का पहले कॉल देख लेते हैं, 13 रुपया तो यही चला गया, बल्कि ये 13 रुपया 20 पैसा का ट्रेड, और लास्ट ट्रेड भी आप देखो तो 13 रुपया का हुआ। आपकी 13:55 की कॉस्ट थी, ठीक है, तो 13 रुपया तो खाली आपका कॉल आ गया। अब पुट देख लेते 320 का कितना है, 320 का पुट अभी भी 3 रुपया, यानी कि 13 और 3 16 रुपया आपको मिल रहा है एज लास्ट ट्रेड में भी, और आपने लगाया 13:55। आप देख लो 13:55 का आपका एवरेज है, तो बैठे बैठे 2.5 रुपया मिलता है, 1200 की लॉट है। ऐसा नहीं करना सर, मुझे तो पुट लेना है या कॉल लेना है ये बताइए। तो ये मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि कैसे सेफली एक दिन में, आपने देखा ये मैंने दिया, मुझे लगा ये वर्थ है देना। तो इसमें जिसने भी किया 8:25 और 5:30, 13:55 का कॉस्ट लगा आपको, और लास्ट में आप देख रहे हो 16 रुपये तो अभी मिल रहा है। मैंने मिनिमम टारगेट 28 रुपया बोला बोथ साइड टोटल, देखिए 13 का माल का मैं 28 का टारगेट दे रहा हूँ, एक्सपायरी में सिर्फ 6 ट्रेडिंग डेज बाकी है, और उसके बावजूद लास्ट में भी इतना मार्केट ऊपर नीचे होने के, आपके पास बोथ साइड का कॉल पुट होते हुए आप देखिए 16 रुपया कैसे बन गया। तो इसी को बोलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी, जो मेरी ट्रेनिंग में आ चुके उनको पता है ये क्या स्टडी है। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, तो दोनों साइड बाई कर लिया, तो अपने आप कैसे 2.5 रुपया बढ़ गया मेरा, कैसे बढ़ गया भाई। तो ये करिए ना,
क्यों यार निफ्टी बेचना, बैंक निफ्टी लेना, मैंने किया इसमें 10-10 लॉट, लेकिन मैंने लास्ट में अपना पोजीशन काट लिया क्योंकि मुझे पैसे वहाँ डालने थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे कल बैंक निफ्टी गैप डाउन अच्छा खासा लग रहा है। तो अब आ जाइए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए एक क्लियर कट हैमर बनाया है। हैमर का मतलब क्या होता है वो भी आपको पढ़ा देता हूँ मैं, व्हाट डज हैमर मीन्स, ताकि आप लोग का एक नॉलेज भी बढ़ जाए। हैमर बोल रहा हूँ, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए। हैंगिंग मैन ओकर्स व्हेन टू मेन क्राइटेरिया आर प्रेजेंट, द एसेट हैज बीन इन अप ट्रेंड। तो बाकायदा मार्केट अप ट्रेंड में था, द कैंडल हैज ए स्मॉल रियल बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोज एंड ए लॉन्ग लोअर शेडो, एंड ए लॉन्ग लोअर शेडो, देयर इज ए लिटिल टू नो अपर शेडो। तो आपको इतना तो पढ़ लिया आपने, तो इसमें लिटिल टू नो अपर शेडो बिल्कुल नहीं, अपर शेडो है नहीं, क्योंकि जो ओपन किया वही हाई है लगभग 292 और 293। तो ऊपर का अपर शेडो नहीं है, लॉन्ग लोअर वीक भी है और छोटी कैंडल भी है। तो ये क्लियर कट एक हैंगिंग मैन है और ये अप ट्रेंड में बना है, तो ये क्लियर कट कल सिग्नल दे रहा है। और 0.95 हमारा जो 0.95 अभी तक नहीं टूटा है, दैट इज़ द रियल सिग्नल कि कुछ ना कुछ कल घटने वाला है। और जब भी 0.95 टिका हुआ रहता है पूरे दिन, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल की कल ही टूट जाए। तो आज तो पूरा दिन टिका हुआ रहा बैंक निफ्टी में 0.95। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर कल सुबह नहीं टूटता है तो हम इससे 800 से 900 पॉइंट मिनिमम फॉल देख सकते हैं इस रेट से 343 से। उसके बाद ये टर्न अराउंड होके ये टूटेगा जरूर, भले ये 7 ट्रेडिंग डेज में टूटो, भले ये 15 ट्रेडिंग डेज। इसका एक नियम है मेरा 0.95 का, जो मेरे हर ट्रेडिंग में मैं ये बताता भी हूँ, दिया भी हूँ उसका, ये इसका लिटरेचर दिया हुआ है। और ये मेरा 2013 में निकाला हुआ चीज़ है और आज तक काम करता है। 0.95 का हाई बनाया, तो अगर ये दिन भर में आज नहीं टूटा तो कल अगर टूट गया सुबह ही तो अलग बात है, नहीं तो इससे आपको 700-800 पॉइंट तो मिल जाएगा नीचे, और वहाँ से वापस ये भी कन्फर्मेशन है कि ये टूटेगा, हाई भी टूटेगा। तो आपको बहुत बढ़िया ये मौका दिया और आज हैंगिंग मैन बन गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 60 ट्रेडिंग डेज में अगर नहीं टूटे तो ये मैक्सिमम टाइम 2 महीना का ले सकता है, मैक्सिमम टाइम 30 ट्रेडिंग डेज ले सकता है। और एक दो बार ये फेल हुआ मुझे 2013 से लेके अभी तक 2019 तक, ये 4 या 5 बार खाली फेल हुआ है कि इसको 3 महीना लग गया तोड़ने में, तोड़ा जरूर है, 1 या 2 3 या 4 केस होगा जिसमें 3 महीना लिया, वरना इसका मैक्सिमम टाइम है 30 ट्रेडिंग डेज या 7 ट्रेडिंग डेज में तो टूटता है। और अगर 7 ट्रेडिंग डेज में नहीं टूटा तो आप मैक्सिमम टाइम 30 ट्रेडिंग डेज मान सकते हो। तो अब तो नीचे का तैयारी रखो, अगर ये कल नहीं टूटता तो आप मान के चलो कि हम हो सकता है 31,000 भी देखें इसी सीरीज में, और मुझे तो ऐसा लगता है हम इस सीरीज में 30,500 भी देखेंगे। कितना? इसी सीरीज में 30,500 भी देखेंगे, जिस तरह से ये हैंगिंग मैन भी बन गया और 0.95 भी आ गया। लेकिन सुबह का देखना जरूरी, और आज वाला हाई नहीं टूटना चाहिए। एज पर रूल क्या होता है कि जो हैंगिंग मैन का हाई है वो टूटना नहीं चाहिए अगले दिन। कन्फर्मेशन के लिए क्या है, यानी कि कल अगर बैंक निफ्टी 294 स्पॉट में नहीं आता है तब तक आपको कोई डर नहीं। 294 स्पॉट में, कितना? 294। और नीचे ये टूट जाता कल अगर 32,017, तो कंफर्म हो जाइए कि आपका ये गैप फिलअप होगा। ये गैप कितना था? ये गैप था 31,711। तो 31,700 तो कंफर्म लिख लीजिए। उसके बाद अगर ये तो यानी कि 300 पॉइंट और गिर जाएगा कल ही, और यहाँ से फिर रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि ये गैप फिलअप करने के लिए तो इसको आना ही है कल, कल या परसों तक, इसीलिए मैंने लास्ट डेट का लिया है। तो ये बैंक निफ्टी मुझे क्लियर कट दिखा रहा है कि हैंगिंग मैन बना। मैंने हैंगिंग मैन का आपको डेफिनेशन भी दिखा दिया और इसको पढ़ लीजिए। गिवन दिस टू क्रिया व्हेन ए हैंगिंग मैन फॉर्म्स इन एन अप ट्रेंड, इट इंडिकेट्स दैट बायर्स हैव लॉस्ट देयर स्ट्रेंथ व्हाइल डिमांड हैज बीन पुशिंग द स्टॉक प्राइस हायर ऑन दिस डे। खाली एक झूठी डिमांड इसको प्राइस को ऊपर रखे रखी है, बाकी देयर वॉज सिग्निफिकेंट सेलिंग व्हाइल बायर्स मैनेज टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू नियर द ओपन। क्योंकि ये सेलिंग सिग्निफिकेंट हुई लेकिन फिर भी बायर्स ड्यू टू समहाउ मैनेज टू ब्रिंग द प्राइस नियर द ओपन, तो जहाँ
ओपन हुआ उसके आसपास ला के दिखा दिया। द इनिशियल सेल ऑफ इज एन इंडिकेशन दैट ए ग्रोइंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर थिंक दैट द प्राइस हैज पीक्ड। पीक्ड मतलब पीक, पहाड़ बन चुका है। फॉर बिलीवर्स इन कैंडल स्टिक्स ट्रेडिंग द पैटर्न प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेल एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशंस और इवन गो शॉर्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ ए प्राइस डिक्लाइन। इसी कारण से मैंने अपनी पोजिशन को रखी, वरना 200 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन हुआ, मुझे भी, मैं अपना नियम कभी तोड़ता नहीं हूँ, 200 के ऊपर सस्टेन हुआ मतलब मेरा स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन जैसे बैंक निफ्टी का एक तो 0.95 दिख रहा था और एक ये पैटर्न बनता हुआ मुझे क्लियर कट दिख रहा, क्योंकि सुबह ही वो हाई बन के इतना नीचे आया था और 0.95 का हाई सुबह ही बन चुका था, वो आपको मैंने 11-15 के वीडियो में भी प्रूफ कर दिया। उस समय भी वो बना हुआ था और 55 का लो भी बन चुका था और उस वीडियो में मैंने बोल दिया था कि आप लोग हो सके तो काट लीजिए। अब आज ये सीधा लेवल्स निकाले तो आज कोई चर्चा नहीं करता सीधा, क्योंकि आज मेरा मूड ठीक नहीं है पर्सनली। बाकी मुझे तो अपने ऊपर और अपने भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है कि मार्केट 11900 इसी सीरीज़ में दिखा दे, कोई भरोसा नहीं है, इसी सीरीज़ में 11900 नहीं दिखा दे। बाकी 31700 तो मैं कन्फर्म हूँ कि बैंक निफ्टी आना ही है। कल ये हाई नहीं तोड़ो बस 343 या 294 स्पॉट में नहीं तोड़ो बस। तो इतना रीज़न था मेरे पास, मैं विदाउट लॉजिक कभी भी नहीं बोलता हूँ। और आज भी मैंने आप लोग को जो लेवल दिया उसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक, और जो कॉल पुट वाला स्ट्रेटेजी दिया दिखाया आपको कि 2.5 रुपया कैसे कमा सकते हो बिना मेहनत के, बिना मार्केट देखे। बारह सौ इंटू 2.5 रुपया कितना होता मालूम आपको? और इन्वेस्टमेंट क्या था आपका? 13.55 रुपया। तो चलिए 13.55 रुपया इंटू 1200 कर लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट था 16,260 और 2.5 रुपया आपको नेट बच रहा लास्ट ट्रेड में भी। 16,000 का इन्वेस्टमेंट करके 3,000 रुपया बच रहा है विदाउट रिस्क, क्योंकि आपके पास बोथ साइड है। और इसका रीजन मैं समझा के आया हूँ इस ट्रेनिंग में कि इसमें क्यों 28 का टारगेट दिया, इसका टारगेट 40 आएगा आप देखिएगा, ये भी आप मिला लीजिएगा। चलिए अब आपको पहले तो बाई सेल के फिगर दे देते हैं। ये सुबह देखिए ऐसा कैंडल बनाने के बाद, सुबह देखिए क्या कैंडल बनाया इसने, तो इसमें तो क्लियर कट है कि कल का हाई है हमारा, स्टॉप लॉस भी है, तो 32300 के ऊपर बाई है बाकायदा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। और आज के लो के नीचे ही सेल है, तो इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि हैंगिंग मैन बना हुआ है, तो इसमें तो कुछ नहीं बोलना, सीधा आज के लो के नीचे जम के सेलिंग करिए। और अगर कल देख लीजिए कि ये हाई नहीं टूट रहा है तो आप एक रिस्क इधर भी सेल करने का ले सकते हो, ये लेवल टूटते ही, कौन सा, ये 32,160 टूटते ही, यहाँ रिस्क होता है लेकिन 32,020 के नीचे तो बिल्कुल रिस्क नहीं है सेल करना, लेकिन 32,160 के नीचे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें सेलिंग का कल। और इसके ऊपर जाते ही आपको बाई करना है, 15 मिनट का वेट करते ही बाई करना है इसके ऊपर, 15 मिनट भी वेट मत करिए। कल इसके ऊपर अगर चला गया तो बाई है, 32,300 के ऊपर चला गया और हाई फ्यूचर में 344 आ गया तो आप बाई कर लीजिए इसको, फिर मेरा ये व्यू टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो कल का डेट है 19 तारीख और मैंने पोजीशन रखी अपना वादा, मैंने बोला मैं चेंज कर लूंगा नेक्स्ट वीक में लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ये आपको कल भी बोला था। मेरा स्टॉप लॉस हो गया लेकिन मैंने रखा क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे सिग्नल दे रहा था क्लियर कट, फिर भी कल अगर 344 फ्यूचर में आता और ये 300 के ऊपर ट्रेड कर लेता है, कल 15 मिनट भी नहीं देखना, खाली 300 के ऊपर ट्रेड हो गया तो मैं मान लूंगा, और 344 फ्यूचर में बस इतना ही। कल आपको 15 मिनट वेट भी नहीं करना पड़ेगा, बाय अबो 32,300, स्टॉप लॉस 32,020, सेल बिलो 32,160, एड मोर इफ गोज बिलो
32,020, स्टॉप लॉस 32,300। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें, इसको गैप कर देता हूँ मैं। ये कॉल आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आप समझिए इसको पहले। आज के लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं इंसिस्ट किया, हालांकि स्टॉप लॉस कोई बड़ा तो स्टॉप लॉस हुआ नहीं। आप सोचिए अपन तेजी में खाली 20-30-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है हमारा, हम तेजी में होने के बाद जब मंदी में आए, जो लोग 11,700 से मंदी कर रखे उनका क्या हाल होगा, उनके तो पैंट वेंट सब, अब क्या बोलूँ। तो 4/19 December मैं उस दिन, उस बुधवार को याद है ठीक 11,832 से आपको बाई करवाया था, याद है एग्जैक्टली वो टाइमिंग थे 252, और आज भी 252 के बाद एक बार गिरने की कोशिश किया, पता नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा पुट ले रखे हैं लोगों ने, तो इसीलिए उसको कल का पूरा पुट गलाना है, इसीलिए उसने मेंटेन रखा आज। लेकिन इसकी ताकत नहीं है मंडे तक मेंटेन कर ले। बैंक निफ्टी स्पॉट अगर 32,300 के ऊपर जाता है तो आपको 15 मिनट भी नहीं देखना है, और साथ में खाली फ्यूचर की रेट जरूर देख लीजिएगा कि 344 हो गई बस, तो आप इसको बाई कर लीजिएगा अगर जाता है। स्टॉप लॉस आपका 32,020, और सेल आपको पहला सेल आप ले सकते हो एक लॉट का 32,160 पे, जब स्पॉट आ जाए टूट जाए बिलो 32,160, और 160 भी नहीं है यार, ये सॉरी 160 नहीं लिखी है, 152 के नीचे आ जाए तो सेल करिए, और 32,020 टूट जाए तो और एक्स्ट्रा सेल करिए, और एक्स्ट्रा सेल करिए। मतलब यहाँ सेल किया आपने, स्टॉप लॉस आपका यही है 32,300, और अगर इसके बाद आपको 32,020 के नीचे भी दिख जाए तो एक लॉट और सेल मार दीजिए, समझ में आया, और स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 32,300। तो ये आपका बैंक निफ्टी का हो गया, आपने देख लिया। अब सीधा मैं निफ्टी का भी बना देता हूँ, आज ज़्यादा चर्चा करने का मूड नहीं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे, मेरे जैसे आदमी को भी आज मार्केट ने धोखा दिया, लेकिन धोखा नहीं दिया, मैं 12,200 के ऊपर कंटिन्यू सुबह से कल भी बोल रहा हूँ कि ये टिका तो मतलब मार्केट ऊपर है, तो टेक्निकली मेरा लेवल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज इसलिए हुआ, कन्फ्यूज़ नहीं कन्फर्म हुआ मैं कि 0.95 टिका रहा बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी ने सुबह आपको सुबह भी 150 पॉइंट कमाने का मौका दिया कल की क्लोजिंग से, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर बैंक निफ्टी बहुत बुलिश होता तो कल वाले को 150 पॉइंट कमा के निकलने का मौका नहीं देता। तो निफ्टी में तो भाई साहब निफ्टी तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, सच में दिख रहा है, तो इसको तो गिराने के लिए कल कुछ भूचाल ही आना पड़ेगा। तो इसमें तो भैया इसके ऊपर बाई लिख देता हूँ मैं वापस, 12,240 के ऊपर बाई करिए स्पॉट में, और इसका सेल बता देता हूँ, लेकिन इसमें 15 मिनट टिकने से बाई करिएगा, वरना मत करिए, कोशिश करिए कल बाई का सौदा लीजिए ही मत, अवॉइड रखिएगा जब तक बैंक निफ्टी का अपना कार्यक्रम पूरा नहीं हो, उसके बाद तो इसमें ज़रूर बाई ले लीजिएगा। और कल इसमें सेल आपको करना है 12,185 के नीचे, 185 के नीचे, December 19 निफ्टी स्पॉट बाई अबव 12,240, 12,240 स्टॉप लॉस 12,185 और सेल बिलो 12,185 स्टॉप लॉस 12,240। दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो जाए 15 मिनट का नियम देख लीजिएगा, स्टॉप लॉस लिख दिया मैंने, और कल मैं कोई होशियारी नहीं मानूंगा कि ये ऐसा हो सकता है ऐसा, ये लेवल पे ही कल देखिए भाई, है ना, जो लेवल दिखा रहा है वही सब कुछ है, क्योंकि अगर आपको 20-30-40 पॉइंट का नुकसान हुआ तो मेरी कारण से हुआ ना, जबकि मैं आपको रीजन सारे समझा दिया हूँ वाई आई वास, तो मैंने हैंगिंग मैन देखा था बाकायदा, मुझे दिख रहा था ये बन रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंड विश मी ऑल्सो गुड लक कि मैं वो 55,000 दो दिन में जो लगा कॉल पुट में
लगा, मतलब मैंने उसको बुक नहीं किया, बल्कि मुझे लगता है ये 1.5 लाख रुपया दे के ही जाएगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। और बाकी मैंने उसमें कमाया अच्छा पैसा, जो कॉल पुट दोनों लिया आरबीएल बैंक का। लेकिन मैं जो कमा लेता हूँ उसको गिनता नहीं, जिसमें लॉस है उसको मुझे काउंट करता हूँ, ये मेरा सिस्टम है। और ये